बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उत्तरा मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, चारों ही राजनीतिक दल जो बड़े वो वापसी करना चाहते हैं सत्ता के अंदर। एक बार फिर से उनकी कोशिश यही है कि वो सत्ता में आए। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं, आज बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी में कई सारे विधायक बीएसपी के शामिल हो रहे थे बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों के घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक बीजेपी में जा चुके हैं, कई सारे विधायक आपको बता दें कि बीएसपी में आ चुके हैं। जो आपको बता दें कि हिंदू और पिछड़े वर्ग इत्यादि से आते हैं वो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। वही मुस्लिम कद्दावर नेता, दलित नेता जो है वो ज़्यादातर बीएसपी की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर इस बार अपने सिटिंग एमएलए और आपको बता दें कि खास तौर से मुस्लिम जो विधायक थे उनके काफ़ी जगह पर टिकट काटे हैं, जिससे मुस्लिम वर्ग के बीच में इस बार समाजवादी पार्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा समाजवादी पार्टी को ही वोट मुस्लिम समाज देता है, लेकिन इस बार काफ़ी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति मुस्लिम समाज गुस्से में है। यही वजह है कि आपको बता दें कि आज मोहम्मद रिजवान, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और चार बार समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। चार बार के वो लगातार विधायक रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी की पूरी कमेटी, जो कि आपको बता दें कि उनके क्षेत्र में थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली, बहुजन समाज पार्टी में आपको बता दें कि शामिल हो गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को भी बीएसपी ने झटका दिया है और बीजेपी में कई सारे जो ब्लॉक प्रमुख थे वो आपको बता दें कि योगेश पटेल के साथ में अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये आपको बता दें कि बीएसपी की लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। इस चुनाव के परिणामों में बीएसपी की ये चुप्पी काफ़ी कुछ निर्भर कर सकती है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।